हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS नॉलेज हब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न साझा करूंगा तथा उनका इन डिटेल आंसर भी दूंगा। ये सभी प्रश्न जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था, अर्थात उसकी समय अवधि क्या थी? तो जो कंप्यूटर की पीढ़ी हुई है वो 5 पीढ़ी अब तक हुई है, 5 जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो था उसका जो समय अवधि थी 1946 से 1958 तक थी। फ्रेंड्स, मैं आपको इन शॉर्ट में कंप्यूटर की सारी पीढ़ियों के बारे में एक बार डिटेल में बता देता हूँ, आप देख लीजिए। फर्स्ट जनरेशन जो 1946 से 1958 तक हुई थी, और इसमें जो इसके जो कंप्यूटर थे इस समय के वो ENIAC था, और ENIAC इसकी फुल फॉर्म जो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, उस समय के ये एग्जांपल हैं इसमें दिए गए। इसके एडवांटेज जो थी फर्स्ट जनरेशन में, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें होते थे। और इसकी जो डिसएडवांटेज थी वह थी कि इसका बहुत बड़ा साइज होता था, वेट इसका बहुत अधिक होता था, और ये पावर भी बहुत अधिक, कंप्यूटर जो समय के जो कंप्यूटर थे बहुत अधिक पावर ये लेते थे चलने में, यानी कि बिजली का बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें होता था। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम था वो 1959 से 1965 तक माना जाता है, और इसमें इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वे IBM 7094 और CDC। जो IBM है इसकी जो ये फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है, और इसके बाद इसकी जो एडवांटेज है इसमें वैक्यूम ट्यूब्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी इसमें स्टार्ट हो गए थे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका ट्रांजिस्टर, यानी कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो चुका था। और ये जो पहले की अपेक्षा ठीक था और कैलकुलेटर में अच्छा था, उसकी स्पीड जो पहले फर्स्ट जनरेशन से ठीक थी, ये स्पीड अकॉर्डिंग टू जनरेशन बढ़ती चली जाएगी। इसकी जो डिसएडवांटेज थी कि इसके लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए था, अर्थात इसमें जो इसके वर्किंग में जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती थी जिसके लिए कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती थी, और ये जो इसके मेंटेनेंस की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। थर्ड जनरेशन का जो सिस्टम था, वो कंप्यूटर्स जो आए हैं वह 1965 से 1971 में आए हैं, और इस तरह की जो PDP-8, PDP-11, इस तरह के IBM 360, IBM के जनरेशन बहुत अब तक चल रही है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पूरी एक कंपनी थी जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती थी अमेरिका की। इसकी जो एडवांटेज है, इसमें थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनका साइज थोड़ा स्मॉल हो चुका था, यानी कि साइज का, और सबसे बड़ी बात थी IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हो चुका था, और फिर इसकी सहायता से जो सिस्टम बनाए जा रहे थे। इसकी डिसएडवांटेज थी जो IC चिप्स थी, अर्थात जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे उन्हें मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था, और इसे भी एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी, ये इसकी डिसएडवांटेज है। फोर्थ जनरेशन जो है हमारी, फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1918 तक ही चली है, और इस जनरेशन में का सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वह थी माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो चुका था, और ये माइक्रो प्रोसेसर और ग्राफिक यूजर इंटरफेस ये GUI सिस्टम टेक्नोलॉजीज में अपनाई जाने लगी थी। इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल हैं वो IBM 4341, DEC 10 और PUP 11, ये इस तरीके हैं। उसकी जो इसकी जो एडवांटेज थी कि फास्ट था, इसका साइज बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, और ये बहुत ही अच्छे, मतलब कम साइज में बहुत इसकी स्पीड बहुत अच्छी प्राप्त हो चुकी थी। और इसकी जो कुछ एक डिसएडवांटेज भी है कि इसके माइक्रोप्रोसेसर को डिज़ाइन करने में फैब्रिकेशन का यूज़ कराता था, और बहुत कॉम्प्लेक्स था, मतलब उसका बनाने में बहुत जटिल होते थे माइक्रोप्रोसेसर, और इन्हें भी एयर कंडीशन की आवश्यकता होती थी। जो फिफ्थ जनरेशन है, ये जो हम अभी जो फोर्थ जनरेशन ये अब तक चल रही है, इसकी जो 1980 तक था, बट अब भी फोर्थ जनरेशन के सिस्टम बहुत अधिक यूज किए जा रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन हमारी इस टाइम से स्टार्ट है, और अभी तक इसकी पीरियड अवधि पता नहीं कब तक चलेगी, मतलब अभी फिलहाल ही रनिंग में है, तो ये 1980 से अब तक चल रही है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, यानी कि ULSI पे आधारित जो टेक्नोलॉजी है इस पे चल रहे हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल, ये सब इसी के उदाहरण हैं। और इसकी जो एडवांटेज है, वर्क फास्ट है, रिलायबल है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होने लगा है अब, और यूजर फ्रेंडली जिसका जो इंटरफेस बनाया गया है। और डिसएडवांटेज जो इसकी है, इसमें जो इसकी आवश्यकता होती है, इसमें लो लेवल लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, तो ये जो है इसकी डिसएडवांटेज थी। अब जो हमारी सिक्स जनरेशन आ रही है वो उसमें ह्यूमन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। तो ये तो मैंने शॉर्ट में आपको इसके जनरेशन के बारे में बता दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फोर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटरों का मुख्य जो उसमें पुर्जा था, तो ये माइक्रो प्रोसेसर था, मैंने अभी आपको बताया था पहले। तो डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है उन्हें चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से चार भाग है मैं दिखाता हूं। देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर है उन्हें चार कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये फोर कैटेगरी है, तो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, और मैन फ्रेम कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर है। तो ये चार प्रकार के कंप्यूटर हैं जो कि डिजिटल कंप्यूटर को इन चार कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है, तो माइक्रो कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो 256 KB होती है। आजकल जो इस टाइम रिसेंटली यूज करे जा रहे हैं कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं, तो ये डिजिटल कंप्यूटर आते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर जो चार प्रकार के होते हैं वो आपको हमने बताया है। इसके बाद है पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो पहला जो पर्सनल कंप्यूटर PC बनाया था वो IBM ने बनाया था। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये अमेरिका की कंपनी थी। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कौन करता है, तो ये मॉडेम का काम होता है कि ये इसका जो मॉडेम जो होती है आपकी जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें जो भी डाटा आता है उसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करके ये कंप्यूटर को निर्देश देती है, और जो कंप्यूटर का डाटा होता है उसे उस बाइनरी लैंग्वेज को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में इसको बदलती है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम होता है मॉडेम का, जो आप अपने जो टेलीफोन लाइन में कनेक्ट करके लगाते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है, या आप एक मॉडेम हो गया, एक कंप्यूटर, एक IPS यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको उस इंटरनेट की सर्विस देगा। जैसे कि वर्तमान में कंपनियां चल रही हैं, कंपनी जो है जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, BSNL, जियो, ये सब जो है इंटरनेशनल जो है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही समय में कई कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। जी हाँ, जिस सिस्टम में आप एक समय में विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं उन्हें मल्टीटास्किंग सिस्टम बोलते हैं। अधिकतर कंप्यूटर अब मल्टीटास्किंग है। डेटा संचरण मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई जो है बिट पर सेकंड है, BIT, बिट पर सेकंड। 8 बिट का संग्रह 1 बाइट कहलाता है, 8 बिट मीन्स 1 बाइट। और माइक्रो कंप्यूटर के ALU और नियंत्रण इकाई संयुक्त एक सिलिकॉन चिप पर निर्माण कर रहे हैं, क्या काम? तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो नियंत्रण इकाई लगी होती है, वे जो माइक्रो प्रोसेसर का काम करते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा तीन भागों में बटा होता है, एक इसमें होता है ALU, एक होता है इसमें कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। तो ये सब इसमें होता है, तो जो कि माइक्रो कंप्यूटर में इस समय यूज करे जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्पित कंप्यूटर का मतलब क्या है। समर्पित कंप्यूटर का मीन्स होता है कि जो एक ऐसे सिर्फ एक ही काम करने के लिए जो कंप्यूटर को लगाया गया है, या जिस कंप्यूटर में केवल एक ही काम किया जाता हो उसे समर्पित कंप्यूटर बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो था हमारा इंटेल का 4004, इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, तो इस प्रोसेसर का जो आविष्कार हुआ था 1982 में हुआ था। पेंटियम प्रोसेसर कब आविष्कृत हुआ, तो पेंटियम का जो प्रोसेसर आया वो मार्च 1993 में आया। और सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस टाइम कितना होता है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस टाइम जो होता है 8 से 10 सेकंड का होता है। नेक्स्ट है एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं, तो ये लाइन या पेज प्रिंटर बोलते हैं, यानी कि जो एक लाइन एक बार में एक पूरी लाइन को तो ना पेज प्रिंटर या लाइन प्रिंटर भी बोल देते हैं, जैसे कि आपके एप्सन के रहे और इस तरह की जो कंपनियां हैं जो इस तरह की प्रिंटर बना रही हैं। तो मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, तो कमांड और ऑपरेट, ये मशीन लैंग्वेज के दो हिस्से होते हैं, कमांड और ऑपरेट। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है, तो देखिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो उच्च स्तर की भाषा है। एंड और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, तो एंड और नॉट ये जो लॉजिकल गेट होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत यूज होते हैं। ISDN की शुरुआत कब हुई, तो ISDN की शुरुआत 1990 ईस्वी में हुई। वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ, तो वायरस का जो पहला व्यावसायिक इस्तेमाल 1985 में हुआ, या ये कह सकते हैं कि वायरस की जो खोज हुई वो 1985 में हुई। जो परम श्रृंखला के नवीनतम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम अनंत जो इसका लेटेस्ट कंप्यूटर है, परम श्रृंखला जो भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम था, तो उसी श्रृंखला की सीरीज के जो कंप्यूटर बने हैं उसका पहला कंप्यूटर है आपका परम अनंत। PACE का पूर्ण रूप क्या है, तो प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिका कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म है PACE का। जब कंप्यूटर का कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट की का द्वारा एक साथ दबाया जाता है तो क्या होता है, उसे बार मूव बूटिंग बोलते हैं। G
जिन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर कार्ड और डॉक्टर बोर्ड सॉरी। बाइनरी ऑटोमिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, तो बाइनरी ऑटोमिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था 1949 ईस्वी में। और उसके बाद है अप्रानेट का संक्षिप्त रूप क्या है, तो अप्रानेट सबसे पहली कंपनी थी या कंपनी थी जिन्होंने कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल किया, तो यह था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है, तो प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम था PDP-8। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं, तो यह डायरेक्टरी बोलते हैं। कंप्यूटर में जितनी फाइल होती हैं उनके समूह को डायरेक्टरी बोलते हैं। जब भी किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची क्या कहलाती है, तो डाटा डिक्शनरी बोलते हैं उसको। डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची डाटा डिक्शनरी कहलाती है। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज, अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा होता है, CPU, अर्थात कंप्यूटर का ब्रेन या जहां से कंप्यूटर को संचालित किया जाता है उसे CPU बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो Cray-1 था, Cray-1। Cray-1 माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर है या वो किस पीढ़ी में कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था, फोर्थ जनरेशन में। किस डाटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो डाटा फ्लो डायग्राम के द्वारा किसी डाटाबेस के जो लॉजिकल स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। अनुदेशों का समूह या जो कंप्यूटर को करना होता है या करना है ये बतलाता है, कहलाता है क्या, प्रोग्राम। और प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं। RDBMS क्या है, तो ये रिलेशनल DBMS है। DBMS जो RDBMS है यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर RDBMS है तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल की गई वैल्यू जो कि बदलती नहीं है उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट एक नियतांक होता है यानी कि नियत अंक जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है, तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं जिनका कार्य होता है कि कंप्यूटर की भाषा को सरल करके जो यूजर होता है उसके लिए बदल देना और यूजर की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में चेंज कर देना, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का वर्क होता है। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी बोलते हैं। LCD का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, तो फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क, इनका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए। इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस मिलता है, तो ये RARP को जो है फिजिकल एड्रेस इंटरनेट एड्रेस में बदलता है। टेलीप्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो ये तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर में जो टेलीप्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया था। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे इनपुट डिवाइस का यूज कर सकते हैं, अर्थात सही बात है, आप जो इंफॉर्मेशन अगर सिस्टम में पुट करना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माउस या कीबोर्ड का यूज करते हैं मोस्टली। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को दूसरे नाम से ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं, बग मीन्स होता है एरर, यानी कि कंप्यूटर कहीं भी आपका अगर किसी प्रोग्राम में एरर आ रही है तो उसको बग बोलते हैं। और कंप्यूटर भाषा फोरट्रेन के क्षेत्र में उपयोग होती है, तो फोरट्रेन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रकार की, इसका जो यूज कराया जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, सॉरी विज्ञान के क्षेत्र में कराया जाता है, यानी विज्ञान के जितने प्रोग्राम बनाने के लिए फोरट्रेन लैंग्वेज का यूज कराता है। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का दोस्तों, वो है DOS का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि DOS के फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि DOS यानी कि DOS बोल देते हैं डिस, अब इसका आपको फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है DOS की क्या है। MS DOS भी होता है, DOS भी बोलते हैं, तो आपको बताना है कि DOS की फुल फॉर्म क्या है। ये आपको वीडियो के अंत में ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जो YouTube के सर्च बॉक्स में जाकर के MS नॉलेज अब टाइप करेंगे, वहाँ से चैनल हमारा सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो बेल का आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं समय समय पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, मैं जो फिलहाल CCC के जो और जो अपकमिंग एग्जाम है जैसे DDA के SSC के, उसमें कंप्यूटर के जो 2 से 5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, तो उनका जो मैंने विश्लेषण किया है, तो उससे बहुत विशेष क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ इस सीरीज में। उसके बाद मैं जो है बिना
मेरे इसमें चैनल में आप देखोगे जो विभिन्न प्रकार की प्लेलिस्ट हैं, आप इन प्लेलिस्ट को जाकर के अपने अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, आपको किसी भी तरीके की सलाह सुझाव देनी हो चैनल से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं और इस चैनल को अधिक से अधिक जो आपने मित्रों के साथ शेयर करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।